अज किसानों के वलों पंजाब भर के थां थां के उपर चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि जो 30 सितंबर यानी 29 सितंबर जो होने वाला चक्का जाम सीगा वो तो मुलतवी कर दिता गया सी, लेकिन जो गन्ने की बकाया राशि है और जो फसल खराब हुई ने उसके मुआवजे को लैके अज कुछ जथेबंदियों के वलों चक्का जाम किया जाना है। इसलिए घरों निकलों तो पहला एहतियात बरत्यो, जा जिथे भी तुम रेंदे हो उतों का रूट चैक कर लियो, अपडेट लै लियो कि सड़कों के उपर किसान जाम कर रहे हैं। तो कई जगह के उपर यह जाम किया जाना है। पंजाब भर के दस दिए कि किसान लगातार सरकार के नाल भी उन्होंने गलबात होंदी रही है। इस तो पहला जो 29 तरीक को धरना लगाया जाना से उसनों तो मुलतवी कर दिता गया। सरकार दे नाल मीटिंग दे बाद 3 अक्तूबर नूं कहा गया कि गन्ने दा रेट वधाउण दा ऐलान किया जाएगा। 1 नवंबर तो 15 नवंबर तक सारियां गन्ने दियां मिलां चला दित्तियां जाणगियां। इह जो सरकार दे वल्लों भरोसा दिता गया उहदे बाद इह वाला जाम तां मुलतवी कर दिता गया सी, लेकिन अज कुछ जथेबंदियां दे वल्लों गन्ने दी बकाया राशि ते खराब फसलां दे मुआवजे दी मंग नूं लै के चक्का जाम दी कॉल दित्ती गई है। फिरोजपुर, मोगा, मलोट, मुकेरियां, हरिके पत्तन, तप्पा मंडी दे विच जो है जाम दी कॉल दित्ती गई है। कुछ जथेबंदियां दे वल्लों इत्थे जाम लगाया जाना है। इसलिए राहगीरां नूं दिक्कतां पेश आ सकदियां ने जे किसानां दे वल्लों पूरी दी पूरी रोड नूं बंद कर दिता गया। तां जो वड्डा प्रोटेस्ट सीगा कल होण वाला उह तां मुलतवी हो गया, लेकिन अज कुछ जथेबंदियों के वलों जाम की कॉल दी गई है, चक्का जाम करन की कॉल दी गई, जिदे चलते मालवे के ज़्यादातर इलाके जो ने उत्थे यह कॉल दी गई है। कुछ होशियारपुर के नज़दीक भी चक्का जाम होने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरे सहयोगी सूरज होर जानकारी नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। सूरज, की मसला है किसानों का वह दस दो, कित्थे कित्थे चक्का जाम होने की उम्मीद है, कित्थे कित्थे की कॉल दी गई है। ये देखो और मैं दसना चाहूंगा कई तरीके की मंगा ने किसान दी जिन्होंने लेके लगातार संघर्ष जिहड़ा किसान करते आ रहे हैं। पर इस वक्त की गल करिए मुख्य तौर जिहड़ा असर वेखण नूं मिलेगा वह मलोट अपने मोगा फिरोजपुर और फाजिलका वाली साइड जिहड़ी हैगी है, इस पासे ज्यादा किसान जिहड़ा हैगा असर वेखण नूं मिलेगा, क्योंकि अज दी कॉल जिहड़ी हैगी है तकरीबन ऐसे इलाके जिहड़े किसान ने उन्हां वल्लों विशेष तौर दित्ती गई है। हालांकि जेकर फरीदकोट की गल करिए हुण तां कोई संभावना नहीं जताई जा रही, पर हो सकता है कि जिवें जिवें समान नेड़े आवेगा तां इत्थे बंद दा प्रोपर असर वेखण नूं मिल सकदा है। केहो जिहा जाम रहने की उम्मीद है कि काफी लंबा समय तक यह जो सड़कां जाम कीतियां जाणगे या कुछ मंग पत्र सौंपे जाणगे प्रोटेस्ट के बाद? जी देखो जी प्रशासनिक अधिकारी गलबात चल रही है, क्योंकि जो भी कोई ना कोई यहाँ मसला होता है प्रशासन भी कितना कितने तैयारी करके रखता है, कितना कितने हो सकता है कि प्रशासन क्योंकि काफी लंबे समय तो प्रशासन अधिकारी भी गलबात लोग करते आ रहे हैं। दूजे पास मंगा इन्होंने नहीं मंगिया मनिया जा रही, सरकार भी गलबात हुई है एक दो बार, पर सिटा कोई सार्थक नहीं निकलिया जिसे करके किसानों में रोष है, पर इस बार लगता है किसान कितना कितने लंबा चल सकता है संघर्ष वाला। जी जानकारी शुक्रिया। सो जो वड्डा संघर्ष होने वाला सीगा 29 तरीक नूं तां मुलतवी कर दिता गया सी, लेकिन मालवे दे विच कुछ जगह दे उपर अज भी चक्का जाम होने की उम्मीद है। प्रशासन दे नाल गलबात चलती पई है, हो सकता है कि अज दा जो प्रोटेस्ट है भी मुलतवी हो जाए जेकर सरकार दे नाल कोई सहमति बनती है, प्रशासन नाल कोई सहमति बनती है, क्योंकि कुछ जथेबंदियां ने जिन्हां दे वल्लों आपो अपने इलाके दे विच शहर शहर दे विच चक्का जाम करन दी कॉल दित्ती गई है। खास तौर दे उपर फिरोजपुर, मोगा, मलोट, मुकेरियां, हरिके पत्तना ते तप्पा मंडी दे विच इह कॉल दित्ती गई है। कुछ शहरां दे विच जो जथेबंदियां ने उन्हां दे वल्लों कहा गया है कि जो साडियां मंगां ने लंबे समय तो असी जिन्हां दी डिमांड कर रहे हो पूरियां नहीं हो रही, इसे दे चलते सानू मजबूर होकर संघर्ष से उतरना पिया है। तो अज हो सकता है कि तुसी घर तो बाहर निकलो तो तुहानू वड्डा जाम मिल सकता है। प्रशासन दे वल्लों हालांकि पहला कॉल दी गई है किसानों ने, तो तैयारियां कुछ कीतियां गई होणगियां, शायद किसानों नू मनाउण दी कवायद भी चल रही होगी कि अज दा चक्का जाम भी ना होवे, जिवें कल वाला वड्डा जो विरोध प्रदर्शन सीगा उसनू मुलतवी करवाया गया। सरकार दे वल्लों भरोसा दे के हो सकता है कि अज भी किसानों नू मना लिया जाए। पूरे पंजाब दे विच प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ शहरां दे विच खास तौर पर मालवे दे कुछ शहरां दे विच किसानों दे वल्लों चक्का जाम दी कॉल दित्ती गई है।